हेलो दोस्तों। तो आज देखेंगे हम लोग विद्युत फ्लक्स को, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। क्लियर है आप लोगों को? तो इस सिचुएशन में हम मानेंगे, एक फिगर मानते हैं, इस फिगर को यहाँ पे क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। हमने माना ये हमारे पास क्या है, एक मीडियम है जिससे क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा डियर? करंट फ्लो करेगा। और अब समझे, तो नेक्स्ट कंडीशन में हमने माना क्या, ये हमारे पास एक चालकीय परिपथ है जिससे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या होंगी, पास होंगी। क्लियर है आप लोगों को? तो इस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस को क्या कर रहे हैं, पास आउट करवा रहे हैं। आ रहा बात समझ में आप लोगों को? तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पास आउट होंगी। ओके, तो हमने माना ये हमारे पास क्या है, एक सरफेस एरिया है, और जिससे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या हो रही है, पास आउट हो रही है। क्लियर है आप लोगों को? तो इसको डिफिनेशन को क्लियर करते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ द्वारा कुल विद्युत फ्लक्स के कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इस डिफिनेशन को लिख के आप लोग को यहाँ पे समझाते हैं। ओके, तो लिखेंगे यहां पर हम लोग, ओके डीएम। तो इस पूरे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से बोल तो डियर, हम क्या करेंगे, कल्पना करेंगे, अज्यूम करेंगे। ओके, काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या के माप को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और विद्युत फ्लक्स को किससे शो करते हैं, फाई ई से शो करते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? इस सिचुएशन में हमने डिफिनेशन लिखा है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ। तो ये हमारे पास एक पृष्ठ है, और इस पर काल्पनिक पृष्ठ छोटा सा क्या करेंगे, हम पृष्ठ मान लेंगे। ओके, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? इट मींस क्या है, ये चालकीय मीडियम है, तो यहीं से क्या होंगे, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है डियर, वो क्या होंगी, पास आउट होगी। क्लियर हो गया? ये हमारे पास क्या है, चालकीय मीडियम हो गया डियर। और इस सिचुएशन में क्या होगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है, इससे क्या होंगी, पास आउट होगी। इस कंडीशन को अगर आप लोगों को समझना चाह इस कंडीशन को यदि आप समझना चाहते हैं, तो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे विद्युत मोटर पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर के कंडीशन में आप लोग देखते होंगे कि दो मैग्नेट के बीच में एक कुंडली लगी होती है, और कुंडली क्या करती है, रोटेट करती है, ऐसे कुछ है लुक लाइक, ऐसे कुछ रोटेट करती है, जिसके फलस्वरूप क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, जनरेट होता था। क्लियर हो गया आप लोगों को? वही बस उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है और आवासन में। तो नेक्स्ट देखते हैं डियर, ये हमारे पास क्या हो गया, चालकीय मीडियम हो गया, जिसका सरफेस हमने मान लिया यस। क्या मान लिया डियर, सरफेस एरिया, जो इस पूरे टोटल का जो टोटल सरफेस एरिया डियर, क्या मान लिया हमने यस। अच्छा जी, अब इस सिचुएशन में हमने मान लिया ये हमारे पास एक क्या है, छोटा सा हमने काल्पनिक भाग मान लिया, क्योंकि लिखा है विद्युत क्षेत्र में स्थित हो गया काल्पनिक पृष्ठ। तो काल्पनिक पृष्ठ हमने मान लिया, ये से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की क्या हो गई, ये संख्या। अच्छा जी सर, जब पूरे का जब क्षेत्रफल लिया आपने, तो क्या लिया यस, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा डियर, उस सिचुएशन में इसका क्षेत्रफल होगा डीएस। क्या होगा डियर, एक बात और डियर, यदि पूरे का एरिया हम लोग ए ले, क्या ले डियर, ए, तो इस कंडीशन में इसका एरिया डीएस नहीं होगा, तब क्या होगा, डीए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डीए। ये कॉमन सेंस की बात है, कुछ बुक्स में डीएस लेकर चला है, कुछ बुक्स में क्या लेकर चला है, डीए लेकर चला है। मीन्स दोनों का कंसेप्ट एक ही है डीएस। इट मीन्स ये छोटा जो लघु खंड लिया गया है, उसका एरिया डीएस है, और पूरे सिचुएशन में पूरे स्थिति पूरे का जो एरिया लिया गया डीएस, वो क्या लिया गया है, यस लिया गया है। तो बस बुक्स के अकॉर्डिंग आप लोग चूज कर सकते हैं क्या दिया, बस दोनों का कंसेप्ट क्या होगा, एक ही होगा डी है, इसमें ज्यादा और कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो इस सिचुएशन में इसको क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, इसको नहीं लेकर चलते हैं, ठीक है, यस को लेकर चलते हैं। आर ये वासन में अच्छा है। तो ये हमारे पास इस पूरे का जो टोटल सरफेस एरिया हमने ले लिया यस ले लिया, और जो लघु कंड काल्पनिक भाग माना डियर, उसका जो एरिया है वो हमने क्या ले लिया, डीएस ले लिया। क्लियर है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ये पास आउट हो रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन
ये जो पास आउट हो रही है डियर, उसको हमने किससे शो कर दिया, ई से। किससे शो कर दिया डियर, ई से। क्लियर हो गया आप लोगों को। इट मीन्स टोटल का जो सरफेस एरिया हमने क्या ले लिया, एस ले लिया, और जो काल्पनिक भाग लिया डियर उसका एरिया क्या है, डीएस है। और इस काल्पनिक भाग से चाहे पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है डियर, उसको हमने किससे शो कर दिया, ई से। क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा जी, इस सिचुएशन में लिखा गया आप लोगों को किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध, क्या है डियर, बद्ध। इट मींस अगर हमें क्या करना हो, इस टोटल का अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ज्ञात करना हो डियर, तो क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स को मान के अगर सबको ऐड कर दें तो सिचुएशन में इस पूरे पृष्ठ का, पूरे सरफेस एरिया का हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा जी, आगे लिखा गया विद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं डियर, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो सूत्र बनेगा डियर, फार्मूला बनेगा, इसका फार्मूला, वो फार्मूला क्या बनेगा डियर, फाई ई, फाई ई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल एस। इंटीग्रल एस क्यों लिखे हैं सर, क्योंकि हमने बोला कि आप लोगों को अगर इस टोटल का हमें इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कितना पास आउट हो रहा है डियर, उसको कैलकुलेट करना, तो छोटे छोटे खंडों में मान लेंगे और टोटल का निकाल के क्या कर दें, ऐड कर दें, इंटीग्रेट कर दें, क्या कर दें डियर, इंटीग्रेट कर दें, तो टोटल का हमारे पास क्या आ जाएगा, विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। क्लियर हो गया। तो इंटीग्रल एस इंटू क्या आ जाएगा, ई इंटू क्या आ जाएगा, डीएस, वेयर हमारे पास जो डीएस है डियर, ये काल्पनिक भाग का क्या है, क्षेत्रफल है। क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा जी, यानी फाइ इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रल एस इंटू ई इंटू क्या हो गया, डीएस हो गया। आ रहा बस समझ में। अच्छा जी, इस सिचुएशन में एस हमारे पास क्या है, टोटल का सरफेस एरिया है, एंड टोटल सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे हम लोग, इस लघु खंड का क्या करेंगे, क्षेत्रफल को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को। आगे देखते हैं जी, यदि हम मानते हैं डियर, यदि हमने माना डियर कि ये जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है, इसके कुछ भाग से विद्युत फ्लक्स गुजरने, इसके कुछ भाग से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन को अगर कैलकुलेट करना है डियर, तो छोटे छोटे खंडों में तोड़ लेंगे और सबको कैलकुलेट कर देंगे डियर, तो हमारे पास टोटल का, इस टोटल का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन मालूम चल जाएगा, विद्युत फ्लक्स मालूम चल जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अगर ये हमारे पास क्या है, इसका सरफेस एरिया डियर और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है, ठीक है, यदि दोनों के बीच का झुकाव क्या हो, थीटा हो, इट मींस ये क्या हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक, ये हमारे पास क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, और यहां से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या हो रही है, पास आउट हो रहे थे, ये हमारे पास हो गया सरफेस एरिया जिससे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पास आउट हो रही है, दोनों के बीच का झुकाव अगर थीटा हो, क्या हो डियर, थीटा हो, यदि दोनों के बीच का झुकाव क्या हो डियर, थीटा हो। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल, और ये हो जाएगा ई इंटू डी एस कॉस थीटा। सर कॉस थीटा क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारे पास इस पृष्ठ से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पास आउट होंगी वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होंगी। अब क्या करते हैं डियर, इसको आगे बढ़ा देते हैं। सर यहाँ पर एस लिए, यहाँ पर एस को क्यों छोड़ दिए, क्यों, क्योंकि डीएन यहाँ पे एस लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि हम पूरे सरफेस एरिया का क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन को कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए बस यस आ गया, इससे ज्यादा चिंता वाली बात नहीं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास फाई ए इज इक्व टू, लिख सकते हैं इज इक्व टू डीएन लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स जो लाइन होगा वो भी क्या होगा, काउंटेबल होगा, तो इसको क्या करते हैं, कंस्टेंट होगा, उसको भी बाहर कर लेंगे, और कॉस थीटा यानी थीटा का जो मान होगा डियर वो एक्यूरेटली हमें ज्ञात होगा, तो कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, कॉस थीटा भी बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रल क्या बच जाएगा, डीएस, इंटीग्रल क्या बच जाएगा, डीएस। अगर इस छोटे वाले पार्ट को इंटीग्रेट करते जाए, इंटीग्रेट करते जाए, इंटीग्रेट करते जाए, तो अनंतों का तो लास्ट में क्या निकल जाएगा, यस। इट मीन्स डियर लिखना चाहें, इसलिए लिखना चाहें, तो जो हमारे पास यस होगा वो इंटीग्रल डीएस के क्या होगा, इक्वल होगा। इट मीन्स यदि क्या करेंगे, छोटे काल्पनिक भाग का अगर क्या करेंगे हम लोग, सबका निकाल के सबको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, ऐड कर दें, तो सिचुएशन में टोटल का हमें सरफेस एरिया निकल जाएगा। इट मीन्स फाइ ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा डियर ई एस, ये हो जाएगा ई एस, इसको क्या लिख सकते हैं डी ई एस लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ई, और इंटीग्रल डी एस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यस लिख सकते हैं, और ई एस इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यही हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है, यानी विद्युत क्षेत्र का फार्मूला, फाई ए इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। क्लियर है आप लोगों को। ये हमारे पास था इसका
पूरा फॉर्मूला क्लियर है। इस सिचुएशन में डियर हमारे पास तीन कंडीशंस बनते हैं, कितने कंडीशंस बनते हैं, तीन कंडीशंस, और भी कंडीशंस बन सकते हैं जब थीटा का मान मालूम हो हमें, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि माना कि हमारे पास जो पृष्ठ है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या हो रही है, पास आउट हो रही है, दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में हो, दोनों का डायरेक्शन क्या हो एक ही दिशा में, यानी यानी आ रही हो चाहे क्या हो रही हो जा रही हो, दोनों की सिचुएशन में यानी दोनों का डायरेक्शन क्या हो एक ही दिशा में हो, तो उस कंडीशन में थीटा का मान क्या होगा, जीरो होगा। यदि दूसरा सिचुएशन देखते हैं डियर, यदि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो रही है इधर हो और विद्युत क्षेत्र का दिशा क्या हो इधर हो, इट मीन्स दोनों का क्या हो जो डायरेक्शन है क्या हो अपोजिट हो, उस सिचुएशन में कितना एंगल जनरेट होगा, 180 होगा। और तीसरा सिचुएशन डी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग, यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है और ये क्या है पृष्ठ है, एक दूसरे की क्या हो परपेंडिकुलर हो, क्या हो डियर परपेंडिकुलर हो, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास 90 एंगल होगा। क्लियर है, इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों को समझाते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं डियर टर्म एंड कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन के सिचुएशन में डियर यदि हमारे पास जो सरफेस एरिया है विद्युत क्षेत्र है डियर ई है, और क्या बोलते हैं जो उसका सरफेस एरिया है दोनों का डायरेक्शन क्या हो डियर एक ही कंडीशन में हो, यानी या तो आ रहा हो या तो क्या हो रहा हो जा रहा हो। एक बात और डियर इस टॉपिक को समझ लेते हैं, यदि किसी फ्लक्स में विद्युत क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पास आउट हो रही है जा रही है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो सिंबॉलिक फंक्शन आता है वो होता है माइनस का, जबकि इसी पृष्ठ से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पास आउट हो जाएंगी उस सिचुएशन में उसका जो मान होगा डियर वो क्या होगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इस सरफेस एरिया द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कुछ क्या होंगी एब्जॉर्ब होंगी, बट इस सतह से क्या होंगी डिस्चार्ज होंगी, तो एब्जॉर्बेशन की कंडीशन में क्या करेंगे डियर माइनस का और डिस्चार्ज के कंडीशन हम लोग क्या लेंगे प्लस का, ओके। तो इस सिचुएशन में हमारे पास दोनों डायरेक्शन क्या हो यानी विद्युत क्षेत्र का और सरफेस एरिया का डायरेक्शन क्या हो एक ही हो, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जीरो, क्या होगा जीरो डिग्री, क्या होगा जीरो डिग्री। बट आल्सो वी नो डेट हम जानते हैं कि फाई ए इज इक्वल टू क्या होता है डियर ई एस, क्या होता है ई एस, और हमारे पास ये अगर ये थीटा क्या हो जाए जीरो डिग्री, क्या हो जाए जीरो डिग्री, तो आल्सो वी नो डेट अगेन आल्सो वी नो डेट कि कास जीरो का मान क्या होता है एक होता है, इट मीन्स फाई ए इज इक्वल टू हमारे पास पहला जो शर्त बनेगा डियर वो क्या बनेगा ई एस, क्या बनेगा डियर ई एस, वो भी किसका मान आएगा ये पॉजिटिव, क्या क्या आएगा डियर पॉजिटिव। अच्छा जी दूसरे शब्द को समझाते हैं डियर, दूसरे शब्द को समझाने के लिए ध्यान से देखिएगा, यदि विद्युत क्षेत्र और सरफेस एरिया का डायरेक्शन क्या हो अलग अलग हो यानी दूसरे की क्या हो अपोजिट हो, इट मींस इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन का डायरेक्शन इधर हो और सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन है इधर हो, यानी ये इधर जा रहा हो ये इधर जा रहा हो, तो दोनों के बीच का जो झुकाव होगा डियर वो क्या होगा 180 होगा, इट मींस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री, क्या होगा 180 डिग्री। देन लिखना चाहे तो हमारे पास जो फाई ई इज इक्वल्स टू होगा डियर, चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पास कॉस 180 अंश का मान क्या होता है माइनस वन, क्या होता है माइनस वन, क्लियर हो गया आप लोगों को, तो उस सिचुएशन में हमारे पास हो जाएगा ई एस, क्या होगा डियर ई एस, वो भी किसका होगा माइनस का, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस जीरो का मान क्या होता है एक होता है और कास 180 अंश का मान क्या होता है माइनस वन होता है, तो इस सिचुएशन में फाइव इज इक्वल टू यानी हमारे पास टोटल जो विद्युत फ्लक्स होगा डियर वो क्या होगा नेगेटिव, क्या होगा डियर नेगेटिव। थर्ड कंडीशन को समझते हैं, थर्ड कंडीशन क्या है डियर, यदि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है डियर और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन और सरफेस एरिया एक दूसरे की क्या हो परपेंडिकुलर हो यानी दोनों एक दूसरे की क्या हो 90 अंश पे झुके हो, तो उस सिचुएशन में थीटा बराबर क्या होगा डियर 90 अंश होगा, हेंस लिखना चाहते हो लिख सकते हैं हम लोग फाई ई, क्या लिख सकते हैं डियर फाई ई, फाई ई इज इक्वल टू हम जानते हैं कास 90 का मान क्या होता है जीरो, इट मीन्स जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान होगा जीयर टोटल अगर यहाँ पे ई एस कॉस थीटा लिखा हमने डियर और यहाँ पे लिखेंगे कास 90 तो कास 90 का मान क्या होता है जीरो, इट मीन्स टोटल जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो हो जाएगा। यही तीन कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इट मीन्स ध्यान से बात को सुनिए, यदि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन और सरफेस दोनों क्या हो एक ही डायरेक्शन में हो तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा जीरो डिग्री, क्या होगा जीरो डिग्री, इट मीन्स फाई ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मान होगा डियर वो क्या होगा ई एस, क्या होगा ई एस, क्या होगा पॉजिटिव, क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा जी इस सिचुएशन में अगर क्या हो दोनों का डायरेक्शन क्या हो अलग अलग हो, इट मीन्स
ये हमारे पास अगर ये क्या है, यदि हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का डायरेक्शन इधर हो और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन का डायरेक्शन क्या इधर हो, तो दोनों के बीच का जो झुकाव होगा वो क्या होगा, 180। क्या होगा डियर, 180। और 180 इस सिचुएशन में फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी एस। क्या होगा, माइनस सी एस। बट दोनों के कंडीशन में झुकाव क्या हो, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पास आउट हो रहे हैं, दोनों के बीच का झुकाव क्या हो, परपेंडिकुलर यानी 90 अंश हो, तो फाई ई का मान क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक डियर देखते हैं, विद्युत फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक एवं बीमा कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो लिखते हैं, तो अगला हेडिंग हमने दिया डियर, विद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं बीमा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं बीमा। क्योंकि हम जान क्या चुके हैं डियर कि फाई ई इज इक्वल टू, हमने लिखा है ई एस इंटू कॉस थीटा। क्या लिखा डियर, ई एस इंटू क्या लिखा है, कॉस थीटा। हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पर डेरिवेट कर चुका है, इस टॉपिक को हमने समझा चुका है, जहां पर फाई ई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्या है, और ई क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है, और एस क्या है जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन को कैलकुलेट करेंगे, और कॉस थीटा क्या है, सरफेस और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के बीच का क्या हो जाए चुका है, मात्रक निकालेंगे डियर। तो मात्रक क्या होगा ध्यान से देखते हैं, देन लिख सकते हैं डियर फाई ई इज इक्वल टू ई एस। क्या लिख सकते हैं, ई एस। आ रहा वासन में, क्यों, क्योंकि ये क्या है, बीमाहीन है। आरावासन में, अच्छा जी, क्योंकि हम जान चुके हैं कि आवेश के कारण किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश के कारण कितना बल लगता है, कितना बल उत्पन्न होता है उस सिचुएशन में। बट ऑल्सो वी नो डैट कि एफ इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्यू ई। क्या जानते हैं, क्यू ई। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। विद्युत क्षेत्र में आवेश के कारण, विद्युत क्षेत्र में आवेश के कारण कितना बल उत्पन्न होगा, तो हमारे पास इस सूत्र के जरिए क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बराबर क्या होता है, क्यू ई। क्या होता है डियर, क्यू ई। तो ई का मान डियर निकालना चाहें तो ई का जब मान होगा तो ये क्यू किसमें, गुणा में, किसमें टूट जाएगा, भाग में, तो ये अपन क्या देगा, क्यू। ये जो हमारे पास फॉर्मूला डियर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम बताया हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक आवेश के कारण, एकांक आवेश के कारण कितना बल उत्पन्न होगा, उसको हम लोग एफ बराबर क्यू ई से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास दिया क्या, ई। क्या दिया डियर, यानी ई, इस ई का मान निकालेंगे, तो हमारे पास क्या डियर, क्यू। क्यू गुणा में है, किसमें टूट जाएगा, भाग में, तो ये हो जाएगा एफ अपन क्या जाएगा, हमारे पास ये टीट फॉर टैट रहेगा, और ये गुणा में किसमें टूट जाएगा, भाग में, यानी ई इक्वल टू क्या होगा, एफ अपन क्या हो गया, क्यू। अच्छा जी, यानी ये हमारे पास क्या था, विद्युत फ्लक्स। क्या था डियर, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। और ये ई बराबर हमारे पास क्या निकल गया, ये अब क्या है, बल है, और हमारे पास क्यू क्या है डियर, आवेश है। आवेश का मात्र क्या होता है, आवेश का मात्र क्या होता है, कूलाम होता है। और यस हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया, और एरिया का जो मात्रक होता है, एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है डियर, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। रिपीट करते हैं पूरे बात को, फाइव ई हमारे पास क्या डियर, विद्युत फ्लक्स है। ई को हम कैलकुलेट करेंगे, तो अगर किसी फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में एकांक आवेश है, तो उस पर कितना बल काम करेगा डियर, उसको हम लोग एफ बराबर क्यू ई से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो चैप्टर का नाम चल रहा है डियर, वो चल रहा है चार्ज, चार्ज हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं डियर, चार्ज पढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा विद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू, एफ क्या है, बल है, क्यू क्या है, आवेश है, और एस जो डियर है क्या, सरफेस एरिया, एरिया बोले तो क्या है, क्षेत्रफल है। इस सिचुएशन में हम लोग डियर जानते हैं बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है डियर, न्यूटन। क्लियर आप लोगों को, अच्छा जी। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है डियर, कूलाम। आ रहा बात समझ में। और ये है क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का डियर मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर। क्या होता है डियर, मीटर का स्क्वायर। इट मीन्स हम लिख रहे हैं मात्रक, क्या लिख रहे हैं डियर, मात्रक। तो हमारे पास विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक निकलेगा डियर, वो हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्यों, जिसका कोई नहीं उसका मालिक एक, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और कूलाम के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग क्या मान सकते हैं, एक घात, और एक घात को ऊपर लेकर जाएंगे, सिंबल किसका जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास कूलाम का इनवर्स। कूलाम पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगा, -1। इट मीन्स जो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है डियर, वो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम क्या होता है, पर कूलाम। अच्छा, इसी को बोल सकते हैं कूलाम इनवर्स। क्लियर
क्लियर हो गया आप लोगों को, ये था विद्युत प्रस्थ का मात्रक। क्या था डियर? मात्रक। अब हम लिखेंगे बीमा। क्या लिखेंगे डियर? बीमा। तो हेडिंग देते हैं यहां पर बीमा। तो बीमा को भी यहीं से समझाएंगे डियर, क्योंकि हमारे पास क्या है? बल है। क्या है? बल। और हम जानते हैं हमारे पास लिखा गया है ऊपर सूत्र लिखे हैं बल, और यह बराबर हम लोग न्यूटन का दूसरा नियम पढ़े होंगे, यह बराबर क्या होता है? एम ए। क्या होता है? एम ए। ये हमारे पास डियर एक बात, और दोनों में डिफरेंस क्या है सर? यह बराबर लिखे हैं क्यू ई और यह बराबर लिखे हैं एम ए। तो मेरे डियर स्टूडेंट, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फिनामिना है उसको मैं आज क्लियर कर देता हूं। अगर हम लेंगे चार्ज के कंडीशन में, अगर चार्ज के कंडीशन में फोर्स को कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्यू क्यू ई होता है, जबकि मास के कंडीशन में अगर फोर्स को कैलकुलेट करना हो डियर, तो मास के कंडीशन में यह बराबर क्या होता है? एम ए। न्यूटन के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग यह बराबर क्या होता है? एम ए। मास के कंडीशन में और चार्ज के कंडीशन में, आवेश के कंडीशन में क्या होता है? बराबर क्यू ई। क्या होता है डियर? क्यू ई। अच्छा जी, ये हो गया बल। तो हमारे पास ये, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं विद्युत प्रवाह का, ध्यान से देखिएगा आप लोग, बल। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे क्या होता है? डियर त्वरण। इसी सूत्र को आगे बढ़ाते हैं, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स को डियर लिखेंगे तो ये था क्या था? बल। और बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे क्या होता है? त्वरण। द्रव्यमान गुणे क्या होता है? त्वरण। त्वरण। क्लियर आप लोगों को? पूरे का अपान ये क्या है? आवेश। तो आवेश हमारे पास ये हो गया डियर आवेश। ओके क्लियर है। अब चूंकि ये हमारे पास क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो होता है डियर वो क्या होता है? लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई। क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा कोई बात नहीं, क्योंकि सर हम बता रहे हैं आप लोग को बीमा। क्या बता रहे हैं? बीमा, यानी विद्युत प्रस्थ का अगर बीमा निकालना है तो हम चूंकि जान चुके हैं कि फाई बराबर क्या होता है? यस। और जहां पे ई का मान अपान क्या हो गया? क्यू हो गया, यानी विद्युत क्षेत्र बराबर हो गया बल बट्टे क्या हो गया? आवेश। क्या हो गया डियर? आवेश। इस सिचुएशन में बल बट्टे आवेश और गुड़ियस क्या? सरफेस एरिया, यानी क्या है? क्षेत्रफल है। तो हमारे पास बल बराबर एफ बराबर क्या होता है? एम ए। द्रव्यमान गुणे क्या होता है? त्वरण। और ये आवेश टाइट हो जाएगा, और जबकि हमारे पास क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है। अच्छा, बीमा लिखते समय द्रव्यमान को किसे शो करते हैं डियर? यम से। किसे शो करते हैं? यम से। क्लियर है आप लोगों को? यम फर क्या होता है? मास होता है। अच्छा जी, त्वरण है। क्या है? त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण। वन मोर टाइम रिपीट करते हैं, इस टॉपिक को समझना इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को समझना इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक को समझना इंपॉर्टेंट है। एक बात और, वेग परिवर्तन ए बराबर भी माइनस यू पूरे का अपन क्या है? टी। क्लियर आप लोगों को? अगर इस टॉपिक को अगर समझना चाहते हैं कि वेग परिवर्तन क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर चेक कीजिए, इस टॉपिक को ढंग से समझ लीजिए आप लोग। चूंकि हमने लिखा है त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बट्टे क्या होता है? समय। और वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बट्टे क्या होता है? समय। रिपीट करते हैं डियर, ये वेग परिवर्तन है। क्या वी माइनस यू क्या है? वेग परिवर्तन। और चूंकि आप लोग जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। तथा वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय। इस कंडीशन में इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं विस्थापन बट्टे, लिख सकते हैं समय। क्या लिख सकते हैं? विस्थापन बट्टे समय। अब पूरे का अपन ये क्या है? समय है। वेग परिवर्तन बराबर क्या हो गया? वेग त्वरण बराबर, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बट्टे क्या हो गया? समय। वन मोर टाइम रिपीट करते हैं, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बट्टे समय हो गया। अच्छा, कि वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय। अब पूरे का अपन ये टाइम टेकन डियर, ये भी क्या है? समय। अच्छा जी, विस्थापन लंबाई, किसी भी प्रकार की लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, मोटाई हो, उसका बीमीय सूत्र क्या लेते हैं? यल लेते हैं। और ये क्या है? समय है डियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, जब समय का गुणा समय में कर देंगे क्या हो जाएगा? समय का स्क्वायर, यानी इट मीन जो समय का जो यूनिट लेते हैं डियर, ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा डियर? टी का स्क्वायर। और ये लिखना चाहें तो यल टी टू दी पर क्या हो गया? माइनस टू चार्ज। आ रहा बात समझ में? अब देखते हैं डियर, आगे बढ़ाते हैं इसको। तो ये हमारे पास जो हो जाएगा त्वरण का मात्रक डियर वो निकल गया यल टी टू दी पर क्या हो गया? माइनस टू चार्ज। और आवेश है, क्योंकि हम जानते हैं डियर बेसिक कंसेप्ट, क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। यानी आवेश बराबर धारा गुणा क्या होता है? समय। धारा को किसे शो करेंगे? ए से। ए फॉर क्या होता है? एम्पियर। और टाइमिंग को किसे शो करते हैं? टी से। इट मीन्स जो आवेश का बीमा होगा डियर वो क्या होगा? ए टी होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए टी। क्लियर हो गया? इनटू, और ये हमारे पास डियर लंबाई गुणे चौड़ाई। और लंबाई के कंडीशन में भी क्या लेंगे? यल लेंगे। और चौड़ाई के कंडीशन में क्या लेंगे? यल लेंगे। यानी इट मीन्स क्या होगा? यल का स्क्वायर। इट मीन्स फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं डियर। ठीक है, तो हमारे पास यम एक बार आया तो यम को लिख लेते हैं, और
अब देखते हैं डियर, यहाँ पर क्या हमारे पास है, यल यल गुड़े यल करेंगे, यल का स्क्वायर क्लियर हो गया आप लोगों को, और एक यल यहाँ पे, तो 1 2 3 इस सिचुएशन में यल पे घात क्या जाएगा, 3 1 2 क्या हो गया, 3। अब देखिएगा डियर, टी यहाँ पर एक है और ऊपर जाएगा किसका जाएगा, माइनस का, तो 2 1 कितना जाएगा, -3, तो ये हो जाएगा टी टू दावर क्या जाएगा, -3, टी टू दावर क्या होगा डियर, -3, और एक क्या जाएगा, इनवर्स क्या जाएगा, इनवर्स।